पुत्र, लड़के। लड़के शब्द का अर्थ समझ गया, लड़के लड़के लड़ लड़के लड़, लड़ाई के लड़के, लड़ाई करे वो लड़के, पुत्र वात्सल्य रस के पुत्र। इसलिए कभी हमारे कितने भी शास्त्रों में लड़का शब्द नहीं है, पुत्र, पुत्रे इति तन्मयतया, पुत्र पुत्र पुत्र, हे पुत्र मतलब पिता से जो प्रकट हुआ आत्मा उसका नाम है पुत्र। पुत्र कहें किसी को, बेटा वो कहती है जो माता के उधर से निकला हुआ बेटा, पुत्र। लेकिन लड़का, मेरा लड़का है, लड़ लड़ इधर कहा पुत्र। अंतर्मुख हुए बिना ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। माता जो तुम्हारी भक्ति में इतना बोले करने की कोशिश बहुत करते हैं पर भक्ति में मन नहीं लगता। सबका उत्तर क्या है? कपिल देव जी कहते हैं मन को, मन ही तो इस जीवन के और बंधन का मोक्ष का कारण है। मन को जो विषय में आसक्त हो जाए वह बंधन का कारण बनता है, और यही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए तो मोक्ष का कारण हो जाए। मन साधक भी है और बाधक भी है। बाधक जब है जबकि वह विषयों में जाए, और साधक जब है वो प्रभु की तरफ जाए। तो बोले पर मेरे को बताओ तो उसे ये मन को लगाएं कैसे, आपका भी प्रश्न है ना, है कि नहीं, है ना, हमारा भी है, मेरा भी है। मैंने ये पूछा तो बहुत सुंदर उत्तर मिला। एक बकरा था, एक राजा ने बोला कि ये बकरे को कोई भूख मिटा दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो बकरे को ले जाते जंगल में, चरा चरू के लेकर आते, फिर सामने ला करके बोले उसकी भूख मिटनी चाहिए, जो ला के राजा फिर उसके सामने चारा डाल देते, चारा डालते फिर बकरा चरने लग जाता। अरे क्या भूख मिटाई, तो चरने लग गया, सब फेल, जो आवे वो फेल। एक आदमी बीरबल के जैसा था, उससे कहा बात क्या है, ये बकरे को पूरे दिन चराता हूँ फिर वापस लेकर आता हूँ फिर ये चरने बैठ जाता, कभी तो इसकी भूख मिटती होगी। बकरे की भूख मिटती नहीं, चर 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 चरता रह रहा। एक आदमी चलाक था भाई जी आपके जैसा, उसने क्या किया, उसने वहां से लिया और बकरे को चराने, बोले राजा एक दिन मेरे को और दीजिए। बोले लो, वो गया बाहर में, बकरा जो चारा खाए तई उसको डंडा मारे, जो चारा खाए तई उसको डंडा मारे, जिधर चारा मुंह करे उधर ही डंडा मारे, चारा जिधर खाए उधर डंडा मारे, सारे दिन उसको डंडा मारता रहा। उसके खोपड़ी में चला गया कि चारा खाऊंगा तो डंडा पड़ेगा। तो जो ही राजा के शाम को जा करके उसने ले करके आया वो अपने राजा के पास, राजा ने कहा खिलाइए, जो वो चारा मारे उधर देख के मुंह फेर ले, फिर इधर चारा दे उधर देख के इधर मुंह फेर ले, जो चारा दे वो मुंह फेर ले। तो राजा ने कहा बात क्या है, बोले बात कुछ नहीं है, मन अपना बकरा है, जितना इसको चारा दो वो विषय चारा लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, लेता ही रहता है। तो बोले कौन, बोले विवेक रूपी लकड़ी से सदा मारते रहो इस मन को, विवेक रूपी लकड़ी से मारेंगे तब यह मन सीधी राह पे चलेगा। मन में जो काम क्रोध लोभ है अहंकार, ये सब ममता के कारण है। बिना मन में बात आए मुंह से बोली नहीं जाती। सुनना, गाना, गुनगुनाना और याद करना, ये चारों चीज सुनने से और गाने से और गुनगुनाने से भगवान राजी होते हैं। भगवान के पद गाने से भगवान राजी होते हैं। श्रवण और कथन, भगवान की कथा सुने और कहें। फिर एक भी बाद में भाई जी, स्वामी जी का एक पद याद आ गया, मन रे तू क्यों पछतावे रे, मनातन मान्या सरसीरे, मनातन मान्या सरसीरे, मनातन मान्या सरसीरे, मनातन मान्या सरसीरे, हरि चरणा सो दूर पड़ो कब लग दुख भर सीरे, हरि चरणा सो दूर पड़ो कब लग दुख भर सीरे, मना तन मान्या सर सीरे, म
मना तन मान्या सरसी दे भटकत जुग बीता कद चेतो कर सीरे। अपने मन से कहो भटकत जुग बीता कद चेतो कर सीरे। बिना घड़ी रे डांगर जो बिना घड़ी रे डांगर जो कितना दिन फिर सी मना तन मान्या सरसी। मन से कहो तन मान्या सरसी मानो पड़सी। किताक दिन खर की जो जग में खोटो चरसी रे किताक दिन खर की जो कितने दिन तक गधे की तरह यहाँ पे चरता रहेगा विषयों का चारा। किताक दिन तू इंद्रिया ने पानी भरसी रे किताक दिन तू इंद्रिया ने पानी भरसी रे। किताक दिन तू भात भात रा सागे जासी रे भात भात लोगों के साखे जाते। आज मैंने नया फ्रेंड बनाया बनाओ उनका भी माथे में आपके घुस जाएगा। किताक दिन तू भात भात रे सागे जासी रे मान्या सरसी रे मना तन मान्या सरसी रे। हरि चरणा सो दूर पड़ो कब लग दुख बरसी रे ओ हरि चरणा से दूर पड़ कब लग दुख भरसी रे। घर घर भटक्या दांत दिखाया घर घर भटक्या घर घर दांत दिखाया कैसे हैं कैसे हैं करते करते एक दिन मेरे को किसी ने कहा चालू रखो एक दिन किसी ने कहा हम उनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। मैंने कहा 10 बरस से उनसे रोज मिल रहे हो अभी तक तो दोनों के शरीर मिले नहीं आत्मा मिले नहीं कितने मिलेंगे। घर घर बट क्या तात दिखाया पूर्ण दुख हर सीरे ओ घर घर बट का तात दिखाया पूर्ण दुख हर सीरे। घर बट क्या सात दिखाया पूर्ण दुख हर पीरे। राधा पति रो शरणो ले लो राधा पति रो शरणो ले लो तब सो तरसी रे मना तन माना कर पीरे मना तन माना सर पीरे। हर चरणा सो दूर पड़ो कब लग दुख हर पीरे सात बजे तक भजन गाती रहूंगी आगे चलने दे। मन में कामना ज्यादा होती है उसका असर मन को पड़ता है। मन में कामना एक पूरी होती है एक बढ़ जाती है एक पूरी होती है मन बिल्कुल मान लगता है क्योंकि साधक भी है पर बाधक क्योंकि हमारी कामना दूर नहीं होती। एक कामना होती है अभी देखिए 6 बजे कई लोगों के मन में उठ रहे होंगे विचार कद कथा पूरी होवे और कद घर जाऊं। सबके मन में ये आता है कि जल्दी जल्दी कथा पूरी होवे। कथा नहीं है ये मन की व्यथा है। हम लोग अपनी मन की व्यथा को दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। इसमें से अगर एक लाइन भी अपने लग जाएगी तो अपने भाव से तर जाएंगे। एक हरिदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है उन्होंने बहुत सुंदर लिखा कबहू कबहू मन इत उत जात याते अब कौन अधिक सुख बहुत भांति गत आनी राख्यो नाही तो पावतो दुख कोटि काम लावण्य बिहारी जो ही से सब सुख लिए रहत रुख श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र मुख। हरिदास जी महाराज कहते हैं इस मन को लेकर के कितने भटके। आगे प्रहलाद जी भी इस मन ये मन की कथा है ना पूरी कथा में व्यथा है। सब लोग एक ही बात कहते हैं भगवान ठाकुर जी मैं क्या करूं मेरा मन नहीं लगता ये मन क्या हो गया बड़ा सारा राक्षस है। एक दिन बोले मन को कहाँ लगाएं बोले एक भूत था एक महात्मा ने उसको कह दिया फिर घड़ी आगे भाग जाएगी चलने दीजिए
एक महात्मा के पास गया, बोले क्या करें, ये मन तो मानता नहीं है, मन को कुछ काम दो। थाला बैठता है तो नींद आती है, कुछ कामना करता है, इसको कुछ काम दो। बोले उसके लिए ये काम करो, बोले मैं तेरे को एक भूत से मिला देता हूँ, वो भूत से जो तू मांगेगा वो तेरे को देगा। बस उसको खाली नहीं बैठा ना, खाली नहीं बैठा ना, खाली बैठा है तो वो तेरा दर्द ले लेगा। तो उससे कहा कि भूत दे दो। अच्छा मेरे लिए घर बना दो। घर बना दिया, सब खाने पीने का सामान ला दो। खाने पीने का सामान ला दिया, सब ला दिया वो भूत को। अब वो भूत सब कुछ करने लगा, ज्यों ज्यों भूत आगे जाए त्यों त्यों भूत को काम करने लगा। अब सब हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गए, घर बैठ गया, घर जम गया और सब कुछ धन दौलत सब आ गया। अब कभी कभी खाली मांगते ही थोड़े ना, कभी बैठ के आराम से उसका मजा भी तो ले। हम मजा ही नहीं ले क्योंकि उसके माथे में अभी भूत ये काम करके ला देगा, अभी इस भूत को क्या काम दूँ, अभी भूत ये काम करके ला देगा, अभी इस भूत को क्या काम दूँ। थक गया बेचारा, जाके महात्मा के पास बोला, बोले और तो सब ठीक है पर इस भूत को मैं क्या काम दूँ, ये मेरे को मजा ही नहीं करने देता है। जो ही हम लोग चोपड़ पासा खेलना, मैं थोड़ा सा रोटी खावा जितना ना वो सामना जा काम दो, तो मेरे माथे में मैं शांति से बैठ ही नहीं पाता, उसको कुछ काम देना पड़ता है। तो बोले ऐसा करो, एक आंगन में खंबा गाड़ दो। आंगन में खंबा गाड़ दिया और बोले उसको बोल ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। भूत कहे क्या करूँ, ऊपर चढ़, क्या करूँ नीचे उतर। उसको बेचारे को लगा दिया ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। तो मन को भी वही भूत है, मन को भी लगाई, भगवान नाम ले सत्संग में जा, फिर मन नाम ले फिर भगवान गुणगान कर, भगवान नाम ले भगवान गुणगान। ये भगवान के खंबे पर इस मन रूपी भूत को लगा दीजिए और वो भगवान की चर्चा करते हुए, कथा करते हुए, सुनते हुए ये मन ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। ये भगवान का सत्संग रूपी सुन और फिर भगवान का नाम ले, ये भगवान का सत्संग रूपी मन को। इसी तरीके से बाधक को साधक बनाए, जिसके मन में कामना जाता होती है। बोले फिर मन को और कहाँ अटका में, बोले मन को किसी के प्रेम में अटका दो। मन को प्रेम कैसे होता है, प्रेम करना नहीं पड़ता। स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रेम है मेरापन में, मन मेरा बिना, मन मैं और मेरा नहीं हटता है ना। जब कहा कि देवहूति जी ने कि ये मैं मेरा नहीं जाता है, तो बोले मेरा जिसको मान रहे हो वह मेरा का ऑब्जेक्ट भगवान बना दो। क्या बना दो, भगवान। तो मेरा ठाकुर, मेरा ठाकुर, मेरी भागवत, मेरे भगवान। तो जब भगवान मेरा करेगा तो प्रीति मेरे से होती है। तो मेरे भगवान होते ही, जैसे आज कही हमारी परिकर की भागवत है, कैसा प्रेम से सब सखियों को आनंद आ रहा है ना, हमारी भागवत। तो जहां पर हमारा मेरापन होगा उससे प्रेम हो जाएगा। मन को कोई न कोई भोजन पकड़ा दो, मन को नाम का भोजन पकड़ा दो, सत्संग का भोजन पकड़ा दो। आज मन तेरे को यहां जाना है। कपिल जी कहते हैं माता और मैं क्या कहूं, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। यदि अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो जरूर वहां से हमें प्रेम मिलेगा। अब मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है, नाम के मंत्र के द्वारा हम आगे बढ़ाएं। काफी कपिल गीता और लंबी चौड़ी है, पर आपके चेहरे पे देख के ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़े, क्योंकि बहुत देर तक कपिल गीता सुन ली। कपिल गीता के बाद जिसमें तो काफी हमने भजन गाए जिससे थोड़ी सी नींद उड़े। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो जरूर हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा और हमारा मन भक्ति में लगेगा। एक महात्मा थे, मन नहीं लगता था। डोंगरे जी महाराज कहते थे सबका विश्वास करना पर इस मन का विश्वास नहीं करना। एक महात्मा के पास एक जने आए और पूछा, महाराज जी आप तो सब विरक्त हैं और पूरी झोपड़ी में ही हमेशा रहते हैं, तो वहां रहने के बाद आपका मन इतना, आप ये बताइए कि आपको थोड़ी कोई ये जो विषया शक्ति है वो छूती है, आपके सामने हम कुछ भी रखें तो आपको थोड़ी असर होना चाहिए। बोले ना, इस मन का कभी भी विश्वास नहीं करना। जीते जी तक उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख देता हूँ, गद्दी तक या रख देता हूँ। और ये मैंने एक संत के अंदर देखी हुई घटना बता रही हूँ। एक दिन आपने कृष्णा माता जी का नाम सुना होगा ना,
कृष्णा माता जी के यहाँ पे कई लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने 20 बरस एक कमरे में रह के भगवान का भजन किया। और कोई भी उनके पास, वो मोर भवन में रहती थी, मोर जी जाते थे उनके, कहते थे कि कमरा तो ठीक करा लें, कितने दिन हो गए कमरा तो ठीक। कागजी जी के यहाँ से उनका जाता था, याद नाम सुना आपने, आपके पिताजी के यहाँ से उनका भोजन जाता था। संतों को जिमाने का बहुत फल मिलता है, ये मैंने अपने जीवन की घटना से आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं, मेरा जीवन केवल यहाँ तक पहुँचने में, मेरा कोई भी इसमें अभ्यास नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बंबई में रही, पली पोसी, ऐसे लोगों के बीच रही, यहाँ कहाँ तक पहुँचती, केवल 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 संत कृपा, केवल संत कृपा। और मेरे को एक चीज का विश्वास है कि आगे कथा फिर आएगी आपके पास, तब और इस संत कृपा पे बोलूंगी, क्योंकि अभी अपने को आगे और दो कथा करनी है इसके ऊपर। ये संत की कृपा हो जाती है, तब उनके पास एक दिन कोई तकिया लेके चला गया, बोले आपका तकिया अच्छा नहीं है। मैं उस समय मौजूद थी, मैं खुद मौजूद थी, उनको तकिया दिया तो रात को अच्छी नरम नरम तकिया, पहले तो कड़क सा तकिया था उनके पास, नरम तकिया लेके सोई सवेरे उठ करके। और मैं पहुंची तो बोले ले ये तकिया ले जा यहाँ से। मैंने कहा माता जी तकिया ने क्या बिगाड़ा? बोले बिगाड़ा नहीं, तकिया ने सब कुछ बिगाड़ दिया। रात में मैं भगवान का भजन करती हूँ, 1 से 4 राधा रानी को याद करती हूँ, तो सोई तो बड़े तकिए की याद आई, तकिए का चिंतन हो गया, कितना नरम तकिया है, कितनी अच्छी नींद आ रही है। वो तकिया मुझे याद आने लग गया, ऐसा तकिया क्या काम का कि भगवान का भजन छुड़ाकर, भगवान का चिंतन छुड़ाकर तकिए का भजन हो गया। ले ये तकिया तू ले जा। क्या लोगों, क्या संतों की बात करें, कितना कड़क जीवन और कितनी चीज ली है उन्होंने। जीव एक ही वस्तु की इच्छा करे, प्रभु प्रेम, प्रभु का सत्संग। अब एक बार ये कपिल गीता का समापन होने के पहले, उसी समय इतना सुनने के बाद देवहूति का मोह का आवरण भंग हो गया, और भंग होकर के वो वहां परम धाम सिधार गई। हरे कृष्ण कृष्ण, ये कपिल गीता सुनने वाले और सुनाने वाले के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, दप, वेदाध्ययन, मन इंद्रियों का संयम, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, सकाम निष्काम कर्म, सभी साधनों में सगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इन सभी मार्गों को प्राप्त करने का एक ही तत्व है परमात्मा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम Hare Rama Hare Rama 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 Hare
अधिकार का वर्णन किया। पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं है। पात्र बनने के लिए हमें निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। हम निरंतर सत्संग करते करते जब हमारा मन उसको टिक जाता है। देखिए एक बहुत सुंदर बात, सेठ जी ने गीता प्रेस की, उनके खुद की लिखी हुई, जब ये गीता प्रेस जाते थे तो एक किताब लाए थे, उसमें हाथ से लिखी हुई सेठ जी की पुस्तक थी, उसमें लिखा हुआ था, बोले कैसे करें, आजकल किसी का बच्चे का मन भगवान में लगता ही नहीं, कैसे संस्कार डालें। तो उन्होंने संस्कार में उन्होंने कहा, बोले ऐसा करो कि घुका दो, मारवाड़ी में क्या कहो, घुको, दो एकम दो, दो दनी चार, दो तिया छह, टाबर ना मालूम नहीं है, दो का ही हुआ, चार का ही हुआ, छह का ही हुआ, घुका दो। तो बोले क्या करें, सेठ जी ने कहा कि सूत्र घुका दो, रटा दो। रटा देने से जब बड़े होंगे तब उनको पता लगेगा, जैसे बड़े होने के पर उस पहाड़ा का पहाड़ा क्या होता है वो देख सकता है, वैसे पहाड़े का अर्थ उसके बाद काम में लेता है। वैसे ही जब संस्कार में, संस्कृत में, संस्कार में बच्चों को अगर सूत्र रटा दिए जाएंगे तो सूत्र आगे काम जरूर आएंगे। इसी प्रकार ज्ञान का पचन, कपिल भगवान ने ज्ञान पाचन शक्ति बताई। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी, चौथे संग में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ चार होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्रकरण में सात अध्याय हैं। सात प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म टिकता है, देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अर्थ प्रकरण के पांच अध्याय हैं, मेरे को फास्ट भागना है। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन। कहीं पर भी जाते हैं इंद्रिया और मन पीछा नहीं छोड़ती, जहां जाओ वहां इंद्रिया भागती हैं। और इंद्रिया भागती किसको है, बाहर के विषय को लेके। एक डोंगरे जी महाराज बहुत सुंदर बात बोले, मैंने कहा बाप जी वो ऐसे ही रहते थे, मैं झूठ तो नहीं कहती हूँ, ऐसे, और किसी को देखते थे ऐसे देखते, मैं देखती थी ये चेहरा ऐसा क्यों रहता। बोले माता जी नेत्र किसी को मत दो, नजर किसी को दी कि नजर से सारा विषय संसार अंदर, अपन ने कुछ देखा, अले लाइट कितनी चौकी है, वो कितनी चौकी, सारा अंदर। क्या कह रहे हो, कान से भी ज्यादा तेज आंख है। इसलिए वो कहते थे कि दो कान दिए हैं, आंख नीचे रख दो और कान से ज्यादा सुनो तो उससे ज्यादा अंदर सत्संग जाएगा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, इसमें काम बसा हुआ है। काम जीव मात्र को रुलाता है। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं, 4 पुरुषार्थ के पहले। अर्थ को देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ पता है सबको। अर्थ को धर्म के साथ रखो और काम को मोक्ष के साथ रखो, ऐसे दो जोड़ी करो। लेकिन हम लोग धर्म को भूल गए, अर्थ को पकड़ लिया, मोक्ष को भूल गए, काम को पकड़ लिया, इसलिए हालत बेकार हो गई। मनुष्य में जब स्वार्थ मुक्ति जगती है तब वो दूसरे के विनाश के लिए तत्पर हो जाता है। सबसे ज्यादा कब खराब होता है ये मन, जब किसी से द्वेष होता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कुछ भी करो पर किसी से द्वेष मत करो। कल का कुछ भी करो पर किसी से कपट मत करो। किसी के प्रति कुभाव रखेंगे ना तो सामने वाले के मन में भी कुभाव जगने वाला है। मैं सोची बैठे बैठे देख किसा क्या, उसके मन में भी सेम भाव आने वाला है। एक देश का राजा था, वो राजा क्या उसके साथ में एक उसका नगर सेठ मित्र था। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मैत्री करने के बाद प्रेम पैदा हो गई, लेकिन मित्रों को अभी तक मित्रता करनी नहीं आती। मैत्री बहुत ऊंचा शब्द है। मैत्री कोई ये नहीं है कि हमारा दोस्त है। लोग मित्र को दोस्त समझते हैं, मित्र का अर्थ दोस्त नहीं है। मित्र का अर्थ है जब मेरी आत्मा और तेरी आत्मा एक सी हो जाए। मैत्री उसको कहते हैं जब दो दोस्त थे, वो ये कहते थे कि हम दोनों के अंदर रिलेशन में कभी भी क्यों प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्या प्रश्न नहीं आना चाहिए। दो दोस्त थे, वो बोलते थे कि यहाँ पर हमने पैसा रख रखा है, तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को नहीं पूछना, मेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं देना। बोले ठीक है, जो तू करे वैसा ठीक है। एक मित्र की उसके बीच में शादी हो गई। शादी जब हो गई तो एक दिन उसकी पत्नी से कहा कि हम दोनों की मैत्री ऐसी है कि तू बीच में नहीं आना। बोले बिल्कुल ठीक है। एक दिन
जिस मित्र की पत्नी बैठी थी उसके पास चाबियां थी, मित्र चला गया बाहर। वो दूसरा मित्र जो आया तो उसने चाबियां मांगी, मित्र की पत्नी ने चाबियां दे दी। उसने उसमें से 10,000 रुपये निकाले और निकाल करके उसको देते देते उसको चाबी दे करके गया और उसने कहा कि कह देना मैंने 10,000 रुपये निकाले। मित्र की पत्नी ने जो ही वो मित्र आया, उसका पति आया, उससे कहा भाई आपका मित्र आया था, उसने 10,000 रुपये निकाले हैं और आपको कहने के लिए कहा है। उसी समय उसे फोन किया, उसे बुलाया, बोले आज तूने मेरी मित्रता पे दाग लगा दिया। बोले क्या हुआ? मित्रता पे दाग लगा दिया। बोले मित्रता पे दाग ऐसे लगा दिया कि तुझे कहने की जरूरत महसूस हुई कि मैंने 10,000 रुपए निकाले हैं, जब मैंने तुझे कभी प्रश्न नहीं किया और तूने मुझे कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों निकाले, तो आज तूने एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, तुझे बताया क्यों कि मेरे 10,000 रुपए निकाले। यही प्रेम मैत्री का स्वरूप लेता है। मैत्री दो आत्माओं के बीच में होती है। मैत्री कोई ये नहीं कि दो दोस्त साथ में ताश खेल लेते हैं, दो दोस्त साथ में पिक्चर देख लेते हैं, उसे मित्रता नहीं कहते। मैत्री आत्मा के भीतर होती है कि मेरा दोस्त कभी गलत कर ही नहीं सकता, मेरा मित्र कभी विश्वास से अविश्वास कर ही नहीं सकता। अगर मेरे मित्र के बारे में किसी ने कोई बात कही है तो उसकी समझ गलत होगी, मेरे मित्र की समझ गलत नहीं है। ये मित्र के भाव एक दूसरे के प्रति बड़े भाव एक दूसरे के प्रति बहुत चलायमान होते हैं। एक नगर सेठ और एक राजा मित्र थे, दोनों में इतनी दोस्ती थी कि सुबह से शाम तक साथ रहते थे। मनुष्य के मन में स्वार्थ जगता है तो वह मित्रता भुला बैठता है और वह दूसरे का विनाश करने को तैयार हो जाता है। एक दिन चंदन का व्यापार करता था नगर सेठ। नगर सेठ के मन में आया कि मेरा धंधा मंदा चल रहा है, तो शाम को घूमने तो गया पर अपने मुनीम से कहा कि अरे अगर राजा की मृत्यु हो जाती तो मेरा चंदन पूरा का पूरा लग जाता, राजा की मृत्यु हो जाती तो मेरा चंदन लग जाता। तो उसके मन में तो आया, शाम को गया, पर राजा के भी मन में आया कि नगर सेठ आज चेहरा ठीक नहीं, आज कहीं ना कहीं कुछ बात है। घूमते घूमते मित्र के मन में पश्चाताप हुआ कि आज मेरे मित्र के लिए ऐसी बात मेरे मन में आई, बहुत गलत बात आई, उसने उसके सामने प्रकट कर दिया। बोले मित्र आज मेरे मन में ऐसी बात आई कि मेरा चंदन का व्यापार नहीं चलता था तो स्वार्थ लगा कि तू चाहता तो सारा चंदन राजा के इसमें लग जाता, मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं था। तो राजा ने कहा मित्र मेरे भी मन में बुरा भाव आया कि आज तेरी वृत्ति और वाइब्रेशंस अच्छे नहीं लग रहे थे, अगर तूने ये सोचने के बदले ये सोच लेता कि चंदन का व्यापार अच्छा नहीं चलता तो क्यों ना राजा चंदन के दरवाजे लगा करके चंदन का ही एक महल बना ले। ये क्यों नहीं तेरे मन में विचार आया कि चंदन का महल बना दे, राजा अपने महल दरवाजे चंदन के बनवा ले तो चंदन खरीद लेगा, चंदन खरीदने का ये क्यों खराब विचार आया। तो हम अपने मन को देखें कि हमारे मन में क्या विचार आ रहा है मित्र के लिए। ये मैत्री का पूरी उपमा तो आगे सुदामा कृष्ण से दी जाएगी। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है और सद्भाव रखने से ईश्वर का भाव पैदा होता है। अब थोड़ी सी देर में छोटी सी कहानी, वैसे सती का चरित्र और शिव जी का विवाह आप सब लोगों को तो पता है ही, जो उसका सत चरित्र और शिव जी का विवाह छोटे से रूप में इतना ही कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की लड़की सती थी। दक्ष प्रजापति मतलब चालाक आदमी, जो चालाक होता है वही दक्ष होता है, जो चालाक होता है उसके दूसरे का सुख सहन नहीं होता, दूसरे का नाम सहन नहीं होता, उसे लगता है मेरा ही मेरा नाम हो। इसलिए उनकी जो लड़की सती थी वह थी तो पुत्री दक्ष की ही, उसने मन में ऐसा सोचा, शिव को प्यार करती थी, शिव जी के उसके साथ विवाह किया, लेकिन दक्ष ने किसी दिन शिव जी को चाहा नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दक्ष हमेशा यूं रहता था, ये जो तर्जनी उंगली है ना, ये तर्जनी उंगली, ये अभिमान का द्योतक है, अंगूठा ब्रह्म है, तर्जनी उंगली, वही लोगों को देखे ठीक से कर, जनरली किसकी कैसे चलती है, किसी को ऑर्डर देने के लिए ये उंगली उठती कि नहीं, कैसे उठाते हैं, देख लूंगा ऐसे करते हैं, ये उंगली उसका द्योतक है, इसलिए कभी भी ये तर्जनी उंगली उठानी नहीं चाहिए। ये अभिमान का द्योतक दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया और सती वहां से आई और सती ने कहा कि नहीं मैं तो, सती ने कपट किया शिवजी जैसे से कपट करके वो वहां लेकर के आई और आते ही जब विवाह करने के बाद ना मानी और
ये कहा पत्नी को पति के घर भी, अरे पिता के घर भी बुलाए बिना नहीं जाना चाहिए, कहा उससे। लेकिन लड़की के मन में आता मेरे पिता ने नहीं बुलाया तो क्या, मैं चल पड़ूंगी, मैं जरूर जाऊंगी। वो जाने के लिए उद्यत हुई, वहां जाने के बाद उसका अपमान हुआ। शिव जी को पता था कि अपमान होएगा, और अपमान होने के बाद वहां पर सती को अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपना, ये कहानी तो सबको पता है। इसमें एक ही चीज पूछते हैं, दक्ष प्रतापति ने वैर क्यों किया? वैर इसी कारण से किया कि अपने से ऊपर अहंकार को, दूसरे का अपने से ऊपर नाम अच्छा नहीं लगता है। दक्ष से ऊपर नाम उनका हुआ। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, ये पांच तत्व के जो पांच देवता है वो हमारे सबके घरों में विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य और गणेश, ये सब पांच तत्वों की सेवा हमारे यहाँ होती है, हम सबको पता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। अधर्म के लक्षण बताए गए हैं भागवत में। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, मतलब झूठ। जब अधर्म शुरू होता है तो झूठ बोलना शुरू होता है, और झूठ बोलते बोलते आदमी का दंभ शुरू हो जाता है, और जब उसका अहंकार आगे बढ़ जाता है तो वो झूठ बोलने को सच ही मान बैठता है। मैत्रेय जी ने मनु महाराज के तीन कन्याओं का वर्णन किया। महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा का वर्णन कह देते हैं। उत्तानपाद राजा थे, उनके दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति, उत्तानपाद का तात्पर्य हम सब जीव उत्तानपाद हैं, हम सब जीव उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। प्रत्येक जीव प्रकट होता है, पैदा होता है तो सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। और प्रत्येक की दो रानियां होती है, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति मतलब विवेक, और रुचि मतलब अपने मन की करना। सबकी रुचि कितनी होती है, सोने में कितनी रुचि होती है, कौन जावे भागवत में, चाल से थोड़ी देर बाद। ये सुनीति का पुत्र होता है ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। सुरुचि का पुत्र उत्तम मतलब जहां अंधकार ही अंधकार, क्योंकि वह रुचि के अनुसार जब करता तो परिणाम ठीक नहीं होता, तब सुरुचि का पुत्र उत्तम। और ध्रुव मतलब अटल सत्य। सुनीति का जो विवेकी होती, विवेकी का पुत्र उत्तम होता है, और उत्तम विवेकी का पुत्र ध्रुव होता है जिसका अटल निश्चय है। तो नीति हमेशा विवेक के अनुसार धर्म पर चलने के लिए कहेगी, और सुरुचि हमेशा संसार में बगैर, कल कर लेंगे यार, कितनी भागवत सुना रहे हैं, 7 बजने को अभी खत्म ही नहीं हो रही, कल और सुन लेंगे, आज क्या सुने, रोज तो सुनते। खैर, सुनीति का फल ध्रुव होता है। सुनीति कहती है अगर परम पिता के गोद में बैठना चाहो तो तप करो, सहन करो, अपना अपमान करने वालों को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। इसमें खास शिक्षा माँ की है। सुनीति जैसी माता आज के जमाने में होनी चाहिए, पर हम सब माताएं क्या हैं? सुरुचि, और वो भी अपनी रुचि नहीं, बच्चे की रुचि। बच्चे की रुचि को जो खाना, आजकल के बच्चों का क्या है खाना, उसका भला हो चाहे ना हो, लेकिन मैदा, पास्ता, वो क्या और क्या नाम, पिज्जा, और उनका भला हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे पेट खराब हो, लीवर खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चे की रुचि को ध्यान रखा जाता है। काश आज की माताएं बच्चे की नीति की तरफ ध्यान दें, कि बच्चे का विवेक, उसका आगे उसमें किससे अच्छा होगा, ये अगर ध्यान दें। नहीं, मैं ऐसे नहीं कहती, मैं जनरल बात कर रही हूँ। जनरल जहाँ जाते हैं वहाँ पर बच्चों के साथ यही होता है, आगे उसका क्या परिणाम होगा वो नहीं देखते हैं। सुनीति ध्रुव से कहती है कि अभी तुम्हें कष्ट होगा, अभी तुम्हें 5 साल जो तुम जाकर के वन की तपस्या करोगे तो वहां तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन कष्ट होते होते भी तुम्हें पुत्र, तुम्हें वो परम पद की प्राप्ति होगी। कष्ट जब सहन करोगे तो परम पद की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे सुरुचि के पुत्र उत्तम को नहीं हुई। अरे क्या करोगे तुम राजा की गोद लेकर के, अरे क्या करोगे, तुम्हें जब परमात्मा की गोद नसीब होगी तो तुम क्यों राजा की गोद के लिए बैठे हो। सुनीति जैसी मां यही शिक्षा देगी। महाराज जी एक दफे माता के लिए बोल रहे थे, माता को क्या करना चाहिए, बहुत सुंदर बोले थे। बोले टावर कुछ मांगे बीच पर नहीं देना चाहिए। बोले महाराज जी कुछ, बोले कुछ मांगे तो नहीं देना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि ये खा के तेरे ये होगा और ये खा के तेरे नहीं होगा, ये मांगेगा तो तेरा ये फल होगा,
बारंबार बारंबार हम मन के अनुसार उनको चलने देंगे तो आज के बच्चों को सहन शक्ति कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे मन का नहीं है। हम जिस मन की बात कर रहे हैं, आजकल की माताएं बच्चों को मन की शिक्षा न दें, यह सुरुचि का अर्थ है वासना कामना, क्योंकि यह मन रूपी सुरुचि का अर्थ कामना को ले डूबेगा। रुचि का अर्थ मन पसंद इच्छा, इंद्रियां तो स्वभावतः विषयों की ओर जाएगी, उन्हें जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से। एक जगह मेरे पास आई थी कई माताएं, भाई हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हम क्या करें। और ये बात स्वामी जी के पास भी लेके गए, आजकल का टाबर सुना ही कोनी, आजकल की ना कहवा टाबर सुना ही कोनी बिल्कुल। तो टाबरा पर गलती, क्या टाबर की गलती नहीं है? तो बोले क्या करें, टाबर क्यों नहीं सुना? बोले जब बच्चे आते हैं ना तो माता पिता, अरे ये हम प्रणाम कर प्रणाम कर प्रणाम कर, फिर उनको प्रणाम करते, ए तेरे को सुनिए, तेरे को बहुत अच्छा आता है, नर्सरी राइम्स है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, उसको सुनाते हैं। अब वो देखता है ये किसी को मैं जानता नहीं, इसको कहते हैं प्रणाम करो, थोड़ी देर में वहां से भागने लगता है। और किसी कहते हैं सत्संग में बैठ, थोड़ी देर तो बैठ, वो दो मिनट बैठता है, फिर उसके जाने की इच्छा करने लगती है, उसका रुचि नहीं होती है, वो चले जाता है वहां से। नहीं थे क्या करें, सत्संग में घणो ही बैठा वहां पर, टाबर तो आजकल सुना ही को नहीं। महाराज जी ने इसका बहुत सुंदर उपाय बताया, बोले सवेरे उठ करके जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे उसे सवेरे से ये प्रार्थना कराइए, मुझे रोज सवेरे उठ के कोई भी आए आगंतुक के प्रणाम करना है, मुझे प्रणाम करना है, मुझे प्रणाम करना है। तो जो भी आएगा उसे वो प्रणाम करेगा, मुझे दाल चावल सब्जी खानी है, मुझे दाल चावल सब्जी खानी। जिस समय उसके पास खाना आए उस समय मना मत करो, जिस समय वो कुछ ना कर रहा हो तब उसके भीतर ये सारी चीजें दे दीजिए, वो बच्चा वही चीज करेगा जो आप उसे रटाएंगे, उसके मन में जागृत हो जाएगा, मेरी लाइन नहीं है। मैंने कहा टाबर बिल्कुल प्रणाम को नहीं करे, टाबर आजकल सुना को नहीं, संस्कृति कहां चली गई, हिंदू संस्कृति ऐसी चली गई, हम लोग रोज कहते हैं। सासू एक आई थी ऋषिकेश में, एक सास आई, महाराज जी दो भुआ है, दोनों भुआ एकदम उल्टो चाले मारे। मैं कैसी हूं, आज को नहीं जानो तो जरूर जानो, आज कहूं आज यहां बैठ जा तो जरूर को नहीं करे, हमारी दोनों भुआ से मत तंग आएगी, मत तो अब्बा ना कुछ कहूं ही को नहीं। बोले क्यों को नहीं कहो? बोले सुना ही को नहीं तो क्यों को, हमारी जबान क्यों गवाऊं, मेरी जबान क्यों गवाऊं, जब नहीं सुना तो मैं हमारी करवा दो। महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोले तुम सास हो अपना कर्तव्य करो कहने का, वो बहू है वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रही है तो तुम अपने कर्तव्य से क्यों च्युत होते हो, तुम्हें कहते रहना चाहिए, चार बार कहोगे पांच बार कहोगे तो एक बार वो बहू जरूर करेगी। हम कहना मत बंद करो कि हाँ हमने, हमारी तो सुनती नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, मेरा अपना कर्तव्य मुझे कहना है कि तुम्हें सत्संग में चलना चाहिए, तुम्हें सत्संग के चलना चाहिए। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि महाराज जी का संतों का असर है कि बहुएं आज भी सत्संग में आती हैं, आज भी पूरा परिवार सत्संग की तरफ लगा है, वो केवल संत कृपा से, स्वामी जी के ये कहने से। हम लोग कहना बंद कर देते हैं, बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, बर्थडे है अरे उसी बर्थडे माँ को सत्संग डे का दावा गो, मैं था का बर्थडे में आया थे, माँ का सत्संग डे में आओ, बराबरी करो। अरे भाई मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ आई, नहीं मैं तो बर्थडे में सब छोड़कर चला जाऊंगा, टाबर तो देखो जी आजकल सुना को नहीं, अरे सुना क्या को नहीं, थे सुनो ये बात, तब को नहीं सुना थे भी सुनना बंद कर दो तो मैं भी सुन लो आजसी। ये बात मेरी नहीं है, ये बात मैंने स्वामी जी से कही है। मातृ शिक्षा सुनीति ने ध्रुव को दी कि कष्ट हो कौन माँ अपने बच्चे को जंगल में भेजेगी, है कोई माँ? वो सुनीति माई है जिसे आगे का पता था कि आगे इसे बहुत मिलने वाला है, जीवात्मा खुद यात्रा करने निकला है। अरे आजकल तो जंगल में किधर जाना, घर से भी किधर जाना हो तो सोचे ये है कि नहीं। एक दो यात्री जंगल से निकले थे यात्रा करने के लिए, तो एक यात्रा निकला तो उसने मेरी तरफ पलंग तकिया लेके चल रहा था, तो बोले तुम पलंग तकिया लेके क्यों चल रहे, क्या करूं मेरे को पलंग तकिया बिना नींद नहीं आती, मेरे को मेरा ही तकिया चाहिए तभी नींद आती है। तो रात को सोने के लिए दिन भर पलंग तकिया किया, क्या आदतें हैं, दिन भर उसको ढोया और रात को उसमें बिना नींद आएगी, ऐसी आदत क्या काम की, कितना कष्टदायी है दशा देख करके
किंतु रात को सोते वक्त बजा लेना है। यह कथा किसी और की नहीं है, यह कथा जीवात्मा की स्वयं की है कि जीवात्मा क्षणिक सुख के लिए मनुष्य अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर में लिए घूमता रहता है। जिसके पास अभी एक ऐसी मशीन आवे ना, सबके यहाँ लगाइए छाती पर, इतने इतने दुख क्लेश का समाचार निकलने लगेगा सबके पास। अरे ये कहाँ जी, आपके तो बच्चे बहुत अच्छे, कहाँ जी आप तो काफी रुपया का, कहाँ जी अभी अभी थोड़ा सा भगवान ने दिया है, नहीं तो पूछिए मत क्या क्लेश है। जिसके पास जाइए दुख की इतनी बड़ी कथा है, ये हमारी सब जीवात्माओं की दुख की कथा है। सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर घूमते रहते हैं, कितनी चिंता कितना कष्ट, लेकिन वो दुख किससे दूर होगा वो हम नहीं देख पाते, तो सुरुचि के अधीन है। क्यों दुख पा रहे हैं? क्योंकि हम सुरुचि के अधीन है, क्योंकि राजा उत्तानपाद है हम और हम सुरुचि के अधीन है। जिस दिन हमारी सुनीति और विवेक जागृत हो जाएगा उसी दिन समझो हमको अटल ध्रुव का मिल जाएगा, बालक बाल कृष्ण का स्वरूप लेकर के आगे की जब हम यात्रा करेंगे तो बालक रूप होकर के बाल रूप हमको जो पवित्रता देखता है। छोटा सा बच्चा 3 महीने का होता है, भगवान का स्वरूप होता है, उसमें काम क्रोध लोभ, उसके हंसते ही ऐसा लगता है आहा हा भगवान मिल गए, क्योंकि उसके पास काम क्रोध लोभ मत कुछ नहीं है। जो बालकों के साथ खेलने में आनंद आता है कृष्ण को, वो किसी के साथ खेलने में नहीं आता है। वही बाल भाव से आज मैं आपको कुछ बातें सुनाने जा रही हूँ, और उसके बाद ध्रुव जी गए और ध्रुव जा करके सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, तेरी माता दासी है। अरे भैया अगर विवेक दासी भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, वो बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी, इसने दासी रूप भी स्वीकार कर लिया। सुनीति ने दुख के आवेग को दबा कर कहा, सहन शक्ति करके कहा, बेटा तेरी माता ने कुछ बुरा नहीं कहा, उसने जो उपदेश दिया है, किसी ने अगर तेरे को कष्ट भी दिया हो तो वह अच्छा ही है। प्रतिकूलता हमेशा मनुष्य के लिए अच्छा ही कुछ रेप लेकर आती है, कुछ मांगने के लिए दिया है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है, आराधा दोक्षज पाद पद्मम यदि छसे ध्यासनम उत्तम हो यथा, तू यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर। आज मुझे बहुत चरण कमल पर बोलना था, लेकिन क्या करूं, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, कोई के आधार होंगे कोई के तो इष्ट होंगे भगवान, मेरे इष्ट तो ठाकुर श्यामा श्याम के चरणारविंद है। आगे कभी मौका लगा तो चरणारविंद के ऊपर बोलूंगी कि चरणारविंद क्या चीज है। अनन्य भावे निज धर्म भावित ए मनस्य वस्था भजस्व पुरुषम। सुनेंद्र ने कहा मैं तो स्त्री हूं, मैं तो अपने पति को छोड़ के जंगल नहीं चल सकती बेटा तेरे साथ। अब छोटे से बालक को एक माँ कहती है जाओ, जो मेरी सौत है वो मेरे पति की प्रिय पत्नी हो तो क्या हुआ, मेरा पत्नी धर्म मैं नहीं छोड़ूंगी, तू जा भगवान की सेवा कर, परमात्मा तुझे गोद में बैठाएंगे। किंतु ध्रुव को डर लग रहा है, माँ तू चल मेरे साथ, माँ मैं अकेला कैसे जाऊँगा, तुझे जरा भी नहीं लगता कि जंगल में मुझे कोई शेर खा गया तो मुझे क्यों भेज रहा है। जीव यह अनुभव करता है कि भगवान उसके साथ भी और नहीं भी है, डर भी लगता है, जीव मात्र के सच्चे मित्र नारायण है। अपने दुख को एकांत में जरूर प्रभु से कहो। सच्ची बताएं तो दुख प्रभु के सिवा और कोई सुनता भी नहीं है, सच्ची बात तो बता देती। देखो कोई नहीं सुनता है दुख, अपन सोचते हैं, अपन लंबी लंबी हांकते हैं, मेरे पति मेरा परिवार मेरा ये मेरा वो, कोई दुख सुनने को टाइम नहीं है, किसी को आंसू देखने को टाइम नहीं है। हाँ बेटा आजा जीम ले इत्यान सब न टाइम है कोई दुख, अरे नहीं मेरे को सुनने को टाइम नहीं, आप क्या बात सुनाओगे, टाइम नहीं है। और ठाकुर कहता है मेरे को सुनने ही सुनने को टाइम है, मेरे को भक्त की सब बात सुनने को टाइम है। और ध्रुव आगे गया, तने तुझे नारायण को सौंप दिया, ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष में अवश्य प्रकट होंगे, बिना आतुरता के भगवान नहीं प्रकट होते हैं। जनरली मनुष्य भगवान के पास अपनी कामनाएं पूर्ति के लिए जाता है। एक बार राधा और कृष्ण साथ चल रहे थे, राधा जी बोले इतने सब पुकारते हैं मंदिरों में, इतनी भीड़ लगी आप उनको दर्शन क्यों नहीं देते हैं। बोले राधे ये मेरे को नहीं पुकार रहे, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, राधे अगर मुझसे कोई प्रेम करता तो मैं एक मिनट में
मेरे भक्त के लिए मैं एक मिनट भी आधा मिनट भी नहीं लगाता, मैं चला जाता, पर ये मेरी भक्ति नहीं करते हैं। ये सारे के सारे लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए भिखारी बन के आए हुए हैं। ये भगवान से ये चाहते हैं कि मेरी ये कामना पूर्ति हो जाए, मेरी वो कामना पूर्ति हो जाए। किसी के प्रति द्वेष रख के आराधना न करें। लाभ हानि सुख दुन ये सब पूर्व जन्मों का फल है, भगवान से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया, उसी सुरुचि की वंदना करके सुनीति उसे जंगल में भेजती है। आगे बढ़ते जाता है, डरते जाता है, ध्रुव जी को डर लगता है, इधर से डर लगता है कि माता ने भेज दिया। पहले के बालक बड़े आज्ञाकारी होते थे, आगे चले देखने के लिए गया कि क्या है। नारद जी ने सोचा इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को किस माता ने भेज दिया। नारद जी ने परीक्षा ली कि कहाँ जा रहा है तू, वापिस जा, यहाँ पे तो जंगल में बहुत शेर बहुत सब खाने वाले बैठे हैं। बच्चे ने सोचा कोई संत है, अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उनके पास अपनी पूरी गाथा सुना दी, साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। देखो एक बीच में फिर बात आ गई प्रणाम करने की। एक दफे स्वामी जी महाराज स्वयं बैठे थे। देखिये मैं तो जो बीती है वही सुनाने आई हूँ, मैं तो कोई कथाकार तो हूँ नहीं की कथा सुनाऊ। महाराज जी ने कहा प्रणाम, प्रणाम शब्द में ही प्रणाम आत्मा से होता है, प्रणाम हाथ से नहीं होता है। और माता को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी ने मुझे कराया, माता को प्रणाम करना चाहिए दोनों हाथ ऐसे करके, अपना सिर माता के चरणों में रखना चाहिए। पिता को प्रणाम ऐसे दो हाथ रख के, राइट पे राइट और लेफ्ट पे लेफ्ट। मैंने कहा महाराज जी इससे क्या मतलब होता है? बोले चरणों में सारे मनुष्य की शक्ति चरणों में, एनर्जी एनर्जी, पूरे मनुष्य की शक्ति एनर्जी चरणों में, और चरणों में भी अंगूठे में। तो जो जिसको चरणों में प्रणाम करते हैं तो उसको जब वो आशीर्वाद देता है, चरणों को छूकर जो आशीर्वाद देता है, तो उसके साथ अपनी अच्छी एनर्जी पास हो जाती है। इसलिए प्रणाम अवश्य करना चाहिए। आजकल प्रणाम तो कर, प्रणाम ऐसा लगता है यहाँ प्रणाम, ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम झुकने से ही होता है, जितना आदमी झुकता है उतना सामने वाले की एनर्जी लेता है, ये साइंटिफिक है, करके देख लो, अभी समय नहीं है। इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रणाम किया ध्रुव ने उनके चरणों में, साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग का भी अर्थ आज बता देती मैं, स अष्ट अंग, आठ अंगों को जो नीचे जमीन पे करके प्रणाम करे वो साष्टांग है। मतलब हमारी पूरी इंद्रियों और आत्मा समेत हम पूरे के पूरे प्रणाम कर रहे हैं, तब सामने वाले को पिघलना ही पड़ेगा, आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा ही। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 त्वमेव बन्धो चस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का एक एक अक्षर
हमारे भीतर नाद ब्रह्म को पैदा करता है। यह मंत्र नारद जी ने छोटे से बालक ध्रुव को दिया। अभी थोड़ी देर के लिए, चार समय नहीं है इसलिए मैंने आगे इसका श्लोक नहीं बढ़ाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र जो भी भीतर करता है उसे उस मंत्र के कारण। कई लोग बोलते हैं हम नाम जप करते हैं, कैसे भी नाम ले लें, लेकिन मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है। उसके बाद उस मंत्र को उन्होंने 6 महीने तक खड़े रह के ध्यान में, मानस में, चिंतन में, ध्रुव जी ने वहाँ से मधुवन में आए, प्रथम दिवस उपवास किया, 3 दिन तक एक आसन पर बैठ के ध्यान दिया, 2 महीने संयम किया, 4 मास में 12 दिन एक आसन पर बैठकर जप किया, 5 मास में जल को भी छोड़ दिया, 15 दिन तक एक आसन पे जप करते रहे। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। छठा मास आया, लेकिन इतना जब चारों तरफ वो करने लगे कि मधुबन क्षेत्र जो मथुरा के पास, जहाँ पर ब्रह्म भगवान जा करके और वैकुंठ से आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिए, वो आज भी जगह मौजूद है। उस जगह का कण कण बोल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्माकार होती रही, वृत्तियों को कहीं जाने को जगह ना मिली। देवतागण बोले कि ये मर जाएगा, ऐसी जगह चलिए आप परमात्मा प्रभु, चलिए वैकुंठ से दर्शन देने के लिए चलिए ध्रुव को। उन्होंने कहा अरे देवताओं, मैं उसको दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके दर्शन लेने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के समक्ष गरुड़ पे विराजमान ठाकुर जी ने वहाँ आते ही दर्शन, बोलो वासुदेव नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा मैं कब तक खड़ा रहूंगा, हृदय में तेजो में प्रकट स्वरूप था, प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया, क्योंकि अंदर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही सुतीक्ष्ण जी के सामने भी भगवान खड़े खड़े देखे, जब सुतीक्ष्ण जी के अंदर अंतर में प्रकट हुए, स्वयं राम ने उनकी वहां से जब छवि हटाई तब तन चमक के आंख खोली, वैसे ही ध्रुव जी के समक्ष भगवान खड़े अंतर स्वरूप में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जो भगवान प्रकट हुए थे, वो छवि अंतर से खींची, तब ध्रुव जी ने आंख खोली और सामने भगवान वासुदेव को देख करके योन्त प्रविश्य मम वाचि मां प्रसूप्तम्
संजीवयात अखिल शक्ति दर्शन स्वधामना अन्याष्ट हस्त चरण समणत्वगाधीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषा। प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न है, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से सुषुप्त वाणी से अब चेतना युक्त हैं। मेरे हाथ पैर में बालक, मेरी प्राणों में मुझे नहीं मालूम मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूं। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बारंबार वंदन करता हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे जो स्तुति करी है वो कल सवेरे 3 बजे से करेंगे। आज यहीं ध्रुव जी को भगवान के दर्शन मिले, इसी भाव से जाएं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमारे भीतर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 आरती की तैयारी की जाए। नमो भगवते कल करेंगे, आज समय भी हो गया। और कुछ प्रश्न थे आए हुए, लेकिन कुछ समय के अभाव में वो प्रश्नोत्तर नहीं कर सके। कल जरूर प्रश्नोत्तर का उत्तर दिया जाएगा। पहले प्रश्नोत्तर करेंगे फिर कथा शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तरी की सत्संग प्रश्नोत्तरी की कृपया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ये पावन स्थल धीर गंभीर भक्तों से भरा हुआ है। कितने भक्त यहाँ नीचे बैठे हैं, संस्थान की तरफ से हम उनका वंदन करते हैं। गूढ़ रस प्रवाहित हुआ है आज। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं 3 बजे से लेकर 7:10 हो रहा है समय, इस गूढ़ रस का जिस तरह से आत्मसात करके आत्मलीन हो करके आपने रसपान किया है, आप निश्चय ही वंदना के पात्र हैं। कल जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया कि सत्स्वर पाठ में प्रातः 10 से 12 तक आप अपना योगदान दे करके अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न के बारे में पीठ से आपको इंगित किया गया है कि आपके प्रश्न और यहाँ से उसका समुचित उत्तर आपको मिलेगा। आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हों कृपया लिखकर आप प्रदान करें। अब विधानुसार आज का इस पावन प्रसंग का सफलता का द्वितीय सोपान समापन की तरफ बढ़ रहा है, करीब करीब हो चुका है। आरती सबसे अंतिम विधा होती है किसी भी धर्मस्थल की धर्मकार्य की। आरती के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने मुख्य यजमान, आज के प्रथम मुख्य यजमान श्री देशबंधु जी कागजी एवं श्रीमती शारदा बेन कागजी, आप आए। पारब्रह्म परमेश्वर की आरती करें। इन द्वय के साथ आप सभी भक्त आरती के लिए आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम हमारे यजमान, उसके पश्चात सभी भक्तजन आरती में अपना योगदान दे सकते हैं, आरती कर सकते हैं।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसन्तम हृदयारविन्दे भवो भवामि सहितं नमामि आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भगवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद तुम्हें फल परमानंद सुधार सुमन